Welcome to Study My Way 1111. Hello everyone. Okay, question answer. सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रैक द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट फॉर्म इन योर नोटबुक. आपको इनमें से वो स्टेटमेंट बताना है और उसको अपनी सही करके अपनी नोटबुक में लिखना है. सबसे पहला, स्टेम एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स. कि जो स्टेम्स होता है, तना होता है, वो पानी को और मिनरल्स को लेता है मिट्टी से. तो ये क्या है, हमारा इनकरेक्ट है, फॉल्स है. तो ये क्या हुआ, स्टेम की जगह क्या आएगा, हमारा रूट. ओके, फिर हमारा बी है. बी हमारा बी है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट्स. जो पत्तियाँ होती है वो प्लांट्स को पकड़ कर रखती है ताकि वो ऊपर की साइड बढ़ सके. तो ये क्या होता है, ये हमारा लीव्स नहीं होती, कौन होता है, तो ये होता है हमारा स्टेम. फिर हमारा सी, रूट्स कनेक्ट द वाटर टू द लीव्स. जो रूट होता है वो पानी को ले जाते हैं पत्तियों तक. तो ये भी क्या है हमारा, ये फॉल्स. और सही क्या है हमारा, ये होता है हमारा स्टेम. तो स्टेम वाटर को ले जाता है पत्तियों तक. फिर हमारा डी है, नंबर ऑफ द पेटल्स एंड स्टेमन्स इन द फ्लावर्स इज ऑलवेज इक्वल. कि जो पेटल्स होता है और उसका स्टेमन्स होता है वो फ्लावर्स में ऑलवेज इक्वल ही होता है. देखो इसमें क्या था, इसमें पेटल्स. तो ये जो एक फ्लावर है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये एक फ्लावर है, ये स्टेम्स, ये क्या इसके पेटल्स है ये. और ये जो पेटल्स है, अब इसमें स्टेमन्स का मतलब इस टाइप्स होता है ऐसे. ठीक है, स्टेमन्स. तो ये और ये कह रहे कि जो पेटल्स हैं और ये, क्या ये हमेशा ऑलवेज इक्वल होती है, तो नहीं, ये ऑलवेज इक्वल नहीं हो सकती, कभी कभी हो सकती है, ऑलवेज नहीं हो सकती. फिर हमारा ई है, इफ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर्स आर द जॉइंट टुगेदर इट इज पेटल आल्सो जॉइंट टुगेदर. ये कह रहे कि जो सेपल्स हैं, जो हमारी ये फ्लावर्स हैं, तो इसमें क्या ये हमारी क्या होगी, ये हमारी आगे पेटल्स, और जो नीचे ग्रीन कलर का होता है ये क्या होता है हमारा सेपल्स. तो ये कह रहे कि जो मतलब जो ये होता है कि मतलब सेपल्स होता है वो जो आपस में जॉइंट होता है, पेटल भी जॉइंट होते साथ साथ. तो ये ऐसा नहीं होता, यदि सेपल्स आपस में जुड़ी तो पेटल्स क्या होंगे, वो उसके पेटल्स अलग होंगे. ठीक है, वो आपस में टुगेदर नहीं होगी. अब इसमें देखते हैं, इफ़ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर इट इज़ पेटल आर सेपरेट. उसकी जो पत्तियाँ होंगी वो हमेशा क्या होगी, अलग होगी. फिर हमारा है ई एफ, इफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर. यदि पेटल्स हैं, पत्तियाँ हैं उसके फूल की, तो जो आपस में जुड़ी होती हैं, देन द पिस्टल इज द जॉइंट टू द पेटल्स. क्या जो पिस्टल्स होती है फ्लावर्स की, क्या वो पेटल के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे हमारा ये फ्लावर्स होगा. इसमें जैसे ये देखें ना, इस टाइप से जुड़ा होता है, जैसे गुड़हल है, मतलब उसमें क्या होता है, ये इस टाइप से होता है. तो ये क्या होगी, क्या ये इन पेटल्स से जुड़ा होता है, तो ये क्या होगा, इफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर, तब यदि जो फूल के जो पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं, देन द पिस्टल मे और मे नॉट बी जॉइंट टू पेटल. वो उसके साथ जुड़ी भी हो सकती है, उसके साथ जुड़ी भी नहीं हो सकती, इसमें दोनों ही कंडीशन फिल होती है. फिर हमारा इसमें है, ड्रॉ ए लीव्स एंड द टैप रूट्स ऑफ द फ्लावर यू हैव द स्टडी इन द टेबल 7.2. तो हमें 7.3, तो इसमें सबसे पहले एक लीफ है, पत्तियाँ हैं, तो इसने जो पत्तियाँ हैं इसके बीच वाले को जो पोर्शन बोलते हैं, इसको हम तो मिडरिब्स बोलते हैं, और जिसमें इस टाइप से बनी होती है, उसमें जालीदार होती है, उसको बोलते हैं वेन्स. फिर हमारा दूसरा जो टैप रूट्स का मतलब क्या होता है, ये जिसमें एक ही जड़ होती है, और ठीक है ये होता है. और जो फैब्रियस होगी, तो फैब्रियस में क्या होगा, फैब्रियस में इस तरह की जड़ें होंगी बहुत सारी, तो उसको फैब्रियस होगा. फिर तीसरा इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एक फ्लावर्स का चित्र बोल रहा है. तो इसमें क्या है, ये इसने एक फ्लावर्स का इसमें चित्र बनाया है, जो ये रोज है. फिर तीसरा क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द प्लांट इन योर हाउस. क्या आप एक ऐसा पौधा ढूंढ सकते हो अपने घर के पास और इन द योर नेबरहुड या अपने पड़ोस में, विच हैज़ द लॉन्ग, जो काफ़ी लंबा है, बट वीक स्टेम, लेकिन जिसकी स्टेम काफ़ी ही कमज़ोर है. राइट इट इज़ द नेम, आपको नाम लिखना है. इन द विच द कैटेगरीज विल यू प्लेस इट, जो आप उस कैटेगरी में उसको रख सकते हो, जैसे यस लोकी अ गॉड प्लांट द नीड टू सपोर्ट
इट इज़ अ क्लाइंबर, इसको क्या बोलते हैं क्लाइंबर। तो ये जो लोक होती है इसमें क्या होती है, इसकी जो बेल होती है इस टाइप से होती है, या फिर ऐसा करना तो वो क्या होती है, ये ऐसे फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है। तो उसे सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके एक सहारा देने के, कोई स्टिक हो गया किसी चीज़ से उसको लटकाने, रस्सी से हम उसको लटका देते हैं, या आप क्या कहते हैं मनी प्लांट्स होता है, तो आप मनी प्लांट्स का भी इसमें एग्जांपल दे सकते हो। तो उसकी भी ऐसी कहते बेल होती है, तो उसको भी हमें सपोर्ट करके उसको ऊपर तक बढ़ानी होती है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ द स्टेम्स, की जो स्टेम्स होती है उसकी कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसमें फ्लोइंग आर द फंक्शन ऑफ द स्टेम, ये नीचे लिखे हुए कुछ कार्य हैं जो हमारे तने के होते हैं। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, जो स्टेम होता है वो क्या करता है कि पौधे को ऐसे मतलब क्या करता है, होल्ड पकड़ कर रखता है ताकि वो ऊपर की साइड बढ़ सकें। स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, जो स्टेम्स होती है वो पानी को ले जाती है पत्तियों तक। स्टेम कंडक्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो स्टेम्स होती है वो क्या करती है, जो खाने को कंडक्ट करती है पत्तियों से लेकर और दूसरे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उसमें। फिर फाइव है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग लीव्स हैव द ए रेक्टिकुलेट एपेनेशन, कि कौन से ऐसी पत्तियां होती हैं इनमें से किसकी पत्ती होती है जो रेक्टिकुलेट एपेनेशन रखती है। तो हमारा है तो तुलसी, चाइना रोज एंड द कोरिएंडर हैव द रेक्टिकुलेट एपेनेशन। एपेनेशन का मतलब होता है जैसे ये पत्तियां हैं आपकी, सपोज करो ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे ये बनी होती हैं और फिर इस टाइप से हमने जालियाँ होती हैं, तो उसका बोलते हैं हम रेक्टिकुलेट द वेनेशन। तो इसमें कौन कौन सी होती है, हमारी चाइना रोज में होगी, कोरिएंडर धनिया में होती, वो सारी हमारे रेक्टिकुलेट वेनेशंस होती है। फिर हमारा इसमें सिक्स क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्लांट हैज द ए फाइबर रूट, यदि किसी भी प्लांट की फाइबर रूट होती है तो व्हाट टाइप ऑफ द वेनेशन ऑफ इट इज द लीव्स हैव, तो उसकी जो पत्तियों की वेनेशन होती है वो किस टाइप से, वेनेशन का मतलब एक सिरा होता है जो, ठीक है, तो उसको सिरा बोलते हैं, तो किसकी किस तरह से होगी। तो टैप रूट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये इस टाइप से होती है, एक में बहुत सारी ऐसे जड़ें निकली होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो कोई भी प्लांट होगा हमारा, तो जो उसकी पत्ती होगी वो किस तरफ से होगा, तो उसकी पत्ती होगी हमारी पैरल ऐसे करके, और ऐसे नु सीधी सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो पैरल इसमें क्या होगा, इफ द प्लांट हैज द फाइबर रूट्स इट इज अ लीव हैज द पैरल वेनेशन, तो उसकी जो पत्ती होगी पैरल वेनेशन की होगी। सेवन, इफ द प्लांट हैव द लीव्स हैव द रेक्टिकुलेट वेनेशन, यदि किसी भी प्लांट की जो पत्ती है वो रेक्टिकुलेट वेनेशन होगी तो what kind of the root will be have, तो उसकी जो जड़ें किस टाइप से होगी, तो उसकी जड़ें होगी हमारी टैप रूट। टैप रूट कैसे होती है, ऐसे करके होती है, तो ये क्या होगी जैसे, या फिर हम कहते हैं कैरेट हो गया, ठीक है, या रेडिस होगा, तो इस तरह से होगी। और जो उसकी पत्ती होगी, तो पत्ती होगी इसकी इस तरह से, रेक्टिकुलेट। फिर हमारा एट है, इट इज़ द पॉसिबल फॉर यू, क्या आपके लिए संभव ढूंढना कि वेदर प्लांट हैज द टैप रूट एंड द फाइबर रूट बाय द लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट इज द लिप ऑफ द सीट ऑफ द पेपर। यदि आप क्या करें, किसी भी मतलब पत्ते की छाप बनी हो आपके पेपर पे, तो क्या आप उसको आसानी से जान सकते हो कि उसकी जो जड़ें हैं वो टैप रूट टाइप में है, फाइबर रूट में, ठीक है। तो यस, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द वेदर ए प्लांट हैज़ द टैप रूट्स ऑफ द फाइबर रूट्स बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट इज द लिप ऑफ द सीड, तो हम आसानी से उसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टैप रूट की तो इस तरह से एक ही जड़ होती है, और फाइबर्स की कैसे होती है जिसमें बहुत सारी इस टाइप से लगी होती है, तो उसको बोलते हैं टैप रूट्स। फिर हमारा नाइन है, वाट आर द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर्स की पार्ट, तो हमारे सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन और पिस्टल। देखो मैं आपको ना फूल बना के दिखाती हूँ, तो जैसे ये क्या होगी, ये जो बीज से निकली होती है ना, ये हमारी होगी पिस्टल, क्या होगी हमारी पिस्टल, जो इसके ऐसे ऐसे लगी होती है इस टाइप से, तो ये क्या होगी हमारी स्टैमन। इसमें जो ये इस टाइप से पत्ते की, ये होगी हमारी पेटल, और नीचे जो ग्रीन कलर का होता है ये हमारे हो गए सेपल्स, ओके। फिर हमारे टेन है कि फिर हमारे इसमें टेन है, इसमें फ्लोइंग मतलब फ्रॉम द इन द फ्लोइंग द प्लांट्स विच आर द हैव देम हैव द फ्लावर्स, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें